हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिचा सिन्हा एक बिहारन और मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मैंगो मलाई कुल्फी, जो कि बनाने में बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टी है। तो चलिए बनाते हैं मैंगो मलाई कुल्फी। लेकिन इसके पहले आप फटाफट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल पर लेके आऊँगी आपके लिए ढेरों जानकारियाँ जीवन के हर पहलू से। चलिए बनाते हैं मैंगो मलाई कुल्फी। बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे चॉप मैंगो। मैंने इसको पील करके और क्यूबिकल शेप में चॉप कर लिया है। और मलाई लेंगे, ये आप अपने घर में दूध से निकली हुई मलाई भी ले सकते हैं या बाज़ार से फुल क्रीम ले सकते हैं। कंडेंस मिल्क और वनीला एसेंस। वनीला एसेंस ऑप्शनल है, आप वनीला एसेंस या इलायची पाउडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं ब्लेंड करूँगी अपने इस ब्लेंडर में। आप चाहें तो हैंड मिक्सर या हैंड ब्लेंडर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम मलाई को तब तक ब्लेंड करेंगे, तब तक मिक्स करेंगे जब तक सॉफ्ट पीक फॉर्म ना हो जाए। तो चलिए करते हैं। चलिए अब हैंड ब्लेंडर से हम मलाई को ब्लेंड करते हैं। देखिए हमारी ये मलाई अब गाढ़ी हो चुकी है, हमने इसको ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया, ये बिल्कुल गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। सारी चीज़ों का मेजरमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। अब हम इसमें कंडेंस मिल्क डालेंगे और वनीला एसेंस डालेंगे। मेरे पास वनीला एसेंस थी तो मैंने वनीला एसेंस डाल लिया, आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, ये ऑप्शनल है। चलिए एक बार और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मलाई अब मिक्स हो गया था, अब हम इसमें हमने मैंगो डाल दिया है और मैंगो डाल के हम एक इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको हम फ्रीजर में रखेंगे। ऐसा कोई कॉन्टेनर लेंगे जिसका जो है कैप अच्छे से बंद हो जाए, एयर टाइट ही बंद हो जाए। अब हमने इसमें सब कुछ मिक्स करके, मैंगो और सारी चीज़ें मिक्स करके इसमें बंद कर दी है। अब हम इसको फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए रख देंगे। अब 6 से 8 घंटे के बाद हम चेक। अभी 6 घंटे हो चुके हैं और हमारी कुल्फी बहुत अच्छी जम गई है, बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत अच्छी जमी है। तो चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छी लग रही है देख के। और इसमें जो हमने मैंगो चंक्स डाले थे वो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको मैश करके भी डाल सकते हैं मैंगो को, लेकिन ये मैंगो चंक्स मुझे ज़्यादा पसंद है और इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छी आती है। चलिए सर्व करते हैं। और ये अब तैयार है मैंगो मलाई कुल्फी। ये थी हमारी मैंगो मलाई कुल्फी और आप इसको अपने घर पे बनाइए, देखो कितनी आसान थी। ये आपके फैमिली मेम्बर्स और बच्चों को ज़रूर पसंद आएगी। और आप बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। थैंक यू।